बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर सर्वे कराने का आदेश तो जारी कर दिया, लेकिन राज्य में एक बार फिर से शराबबंदी की पोल खुल गई है। दरअसल पटना के गर्दनीबाग थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश से एम्बुलेंस के जरिए शराब की खेप राजधानी पटना की सड़क मार्ग से ही मुजफ्फरपुर की तरफ जाने वाली है। गर्दनीबाग पुलिस ने गुप्त सूचना को आधार बनाकर कार्रवाई करते हुए अनीसाबाद गोलंबर से गुजर रहे उत्तर प्रदेश रजिस्टर्ड एम्बुलेंस को रोककर उसकी छानबीन की। इस दौरान एम्बुलेंस में मरीज के बजाय शराब की खेप बरामद हुई। पुलिस ने एम्बुलेंस के ड्राइवर कृष्णा को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस ने एम्बुलेंस में भरी कुल 1527 लीटर महंगे अवैध शराब की खेप को बरामद करने में सफलता हासिल की है। फिलहाल पूरे मामले की जानकारी देते हुए गर्दनीबाग थाना प्रभारी रंजीत कुमार रजक ने बताया कि बरामद अवैध शराब की खेप को मंगवाने वाले शराब माफिया की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। आज सुबह गुप्त सूचना मिली थी कि एक यूपी नंबर एम्बुलेंस से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जो है बाईपास के रास्ते मुजफ्फरपुर के लिए जा रही है, जिस पर हम लोग अनीसाबाद गोलंबर के पास वाहन चेकिंग त्वरित कार्रवाई करते हुए लगाए तो उक्त एम्बुलेंस को पकड़ा गया, जिसमें कि चालक कृष्णा कुमार को भी हमने हिरासत में लिया। और एम्बुलेंस को चेकिंग जबकि चेक किया गया तो उसमें से 1527 लीटर अंग्रेजी शराब विभिन्न कंपनी के बरामद हुए हैं। यह गाड़ी जो है चालक द्वारा बताया गया कि लखनऊ से हम लेके जा रहे थे, जिसको कि मुजफ्फरपुर में डिलीवरी देना था। बिहार में शराबबंदी के बावजूद आए दिन अवैध शराबों की बिक्री की खबरें प्राप्त होती रहती हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में सुशासन की बात तो का दावा तो करते हैं, लेकिन बेखौफ शराब तस्करों की काली करतूतों पर लगाम लगाने में पुलिस प्रशासन के दांत खट्टे हो रहे हैं। वहीं शराबबंदी के बाद से बिहार में जहरीली शराब के सेवन से सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। जातिगत गणना के बाद नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी की हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर सर्वे कराने का आदेश जारी कर दिया है। जाति की जांच पड़ताल के बाद अब सरकारी कर्मचारी पूरे बिहार में घर घर दस्तक देकर शराबबंदी पर ओपिनियन पोल करते नजर आएंगे। लेकिन हालिया मामले ने एक बार फिर से बिहार में शराबबंदी की पोल खोल कर रख दी है।